17 देखिए, वक्र दिया है y इक्वल टू में x मोड x, तो यहाँ पे दो कंक्लूजन निकल के आएगा। आप इसे लिखेंगे x स्क्वायर, ये प्लस का ले लेंगे x, कब, जब यहाँ पे लिखेंगे कि यदि x जो होगा जीरो से बड़ा या जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। और माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस में लेंगे x, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कब, यदि x x लेस देन जीरो हो और इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ बना लेते हैं पहले यहाँ पर, ठीक है, फिर देखेंगे क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए पहले इसका ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। यहाँ x, यहाँ पर आपका x डैश, यहाँ y और यहाँ पर y डैश, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, अब क्या दिया है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कब, जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा तो उसका ग्राफ इस तरह से जाएगा, यही ना होगा, जब x जीरो से ग्रेटर और x जीरो के इक्वल है तब, तो इधर यही हाफ ही बनाएंगे। अच्छा, y इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर कब हो जाता है, जब x इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो उसका उसका हम लोग इधर से ले जाएंगे, ऐसे ऐसे ही ना ले जाएंगे, समझ गए। चलिए तो ये हमने ग्राफ किसका बनाया, y इक्वल टू में x मोड x का। चलिए अब इसके बाद देखो फिर क्या कर रहा है, x इक्वल टू, फिर आगे क्या कर रहा है कि x अक्ष इस वक्र, इस वक्र और x अक्ष एवं कोटियों x इक्वल टू माइनस वन और x इक्वल टू वन से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो x इक्वल टू माइनस वन इधर से कहीं जाएगा, इधर से ही ना जाएगा ऐसे, और x इक्वल टू में वन की बात करें तो वो इधर से जाएगा। अब ये किस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, ये कैसे पता करोगे, तो सिंपल सी बात है, x इक्वल टू ये माइनस वन का है ना, ये x इक्वल टू माइनस वन का है, आप इसमें माइनस वन रखोगे, माइनस वन यानी कि इसमें आ जाएगा, माइनस वन यहाँ पर रखोगे तो माइनस वन ही वैल्यू आएगा वाई का, यानी कि ये माइनस वन पे प्रतिच्छेद कर रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो, ये किसके लिए रेखा हमने खींची है, x इक्वल टू वन के लिए ना, तो अगर x का वैल्यू वन यानी वन यानी जीरो से ग्रेटर यानी यहाँ रखेंगे तो वन का स्क्वायर वन यानी वाई का वैल्यू वन आ जाएगा, तो प्रतिच्छेद कहाँ कर रहा है, वन वन पे प्रतिच्छेद कर रहा है। हमें क्या करना है, हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है, ये जो छह अंकित भाग है ये और ये, इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका नामकरण कर देते हैं ए बी ओ सी डी, ध्यान से देखिए। अच्छा इस बी का निर्देशांक क्या होगा, माइनस वन कॉमा जीरो, सी का निर्देशांक क्या होगा, वन कॉमा जीरो, यही ना होगा। चलिए अब देखते हैं, हम लोग लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे ए बी ओ ए का क्षेत्रफल और प्लस में सी ओ डी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। ये बना हुआ कहां से कहां तक, माइनस वन टू जीरो, जीरो जीरो ना होगा, और ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो इसके लिए हमने यहां पे ये लिया है ना जी, माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक तो यहां माइनस है इसके लिए और एक डाउनवर्ड की तरफ है, तो माइनस माइनस प्लस यहां लिखेंगे, यानी प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसमें माइनस है एक डाउनवर्ड की तरफ इसलिए ये माइनस, तो प्लस हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा जीरो टू वन ये वाले के लिए, सी ओ डी ओ के लिए, तो आप सी ओ डी डी सी के लिए, इसके लिए तो क्या हो जाएगा, ये जीरो टू वन और ये आपका एक्स स्क्वायर, इस यही ना लेंगे डी एक्स। चलिए इंटीग्रेट करते हैं, तो देखिए इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई थ्री और माइनस वन टू जीरो इसका लिमिट है, यह हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री और इसका लिमिट है जीरो टू वन, जीरो रखेंगे जीरो आएगा, फिर माइनस वन रखेंगे तो माइनस का वन बाई थ्री आ जाएगा, और एक ये माइनस बीच में जो दिया जाता है वो, प्लस वन रखेंगे तो वन बाई थ्री आ जाएगा और जीरो रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो ये प्लस का वन बाई थ्री ये भी हो जाएगा, प्लस का वन बाई थ्री है यानी कि टू बाई थ्री, दो बट्टा तीन वर्ग इकाई, यहाँ से ये आपका आंसर आ गया। तो दो बट्टा तीन वर्ग इकाई देख लीजिए आपके ऑप्शन में कौन सा है, तो सी नंबर ना दिख रहा है, समझ गए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रवि कांत सर,
रवि कांत सर, और तीसरा चैनल है रवि कांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.rabikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।